अस्सलाम वालेकुम। टुडे इन इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज द टॉपिक इज एलिमेंट्स इन पोइट्री एंड वी विल बी डिस्कसिंग द एलिमेंट्स और द फीचर्स इन पोइट्री दैट आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द एनालिसिस ऑफ द पोइट्री। ऑल्दो देयर आर सम एलिमेंट्स डिस्कस्ड प्रीवियसली ऑन फिक्शन कैन ऑल्सो बी अप्लाई टू द एनालिसिस ऑफ पोइट्री बट still there are some features those are associated with the genre of poetry particularly. So we will be discussing the elements that are restricted to poetry specifically. So let's have a look. Elements in poetry. So elements in poetry, there are many elements in poetry and imagery is often regarded as the most common manifestation of the concrete character of poetry. अब poetry में जो है इसमें imagery का जो है concept बहुत ही ज़्यादा जो है वो इसमें importance का वो एक element है जिसमें के जो कि अगर हम इसको देखें imagery word को देखें तो जो image से निकला है image जो है basically आपको previously भी मैंने आपको इसको थोड़ा बताया था कि ये लैटिन वर्ड है इमेगो IMAGO इमेगो जिसका मतलब है पिक्चर जो कि रेफर करता है विजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ टेक्स्ट। अब इसको जो है आपको जिसमें कि आपके सेंसरी इम्प्रेशंस जो हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। अब जो इमेजरी है ये स्पेसिफिकली जो है आपके एलिमेंट है उसके पोइट्री का उसमें जो है एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि इसमें जो है आपका इमेजरी के थ्रू जो बहुत सी जो चीज़ें हैं वो उसको आपकी पोइट्री को वो अंडरस्टैंडेबल बनाती है। इवन इफ एन एब्स्ट्रैक्ट थीम इज़ एट द सेंटर ऑफ द पोइम द पोइट स्टिल यूजेस कंक्रीट इमेजरी इन ऑर्डर टू मेक इट मोर एक्सेसिबल कि अगर उसमें कोई भी एब्स्ट्रैक्ट थीम होगा पोइट्री के अंदर पोइम में तो उसमें स्टिल जो है वो जो पोइट होगा वो कंक्रीट इमेजरी जो है वो उसका यूज़ करेगा। द कंक्रीट करेक्टर ऑफ पोइटिक लैंग्वेज कैन बी अचीव्ड ऑन लेक्सिकल थीमेटिक विजुअल डायमेंशन एंड रिदमिक एकूस्टिक लेवल्स। अब इन थ्री लेवल्स पर जो है ना इसकी आपकी जो कंक्रीट करेक्टर ऑफ पोइटिक लैंग्वेज है वो अचीव किया जा सकता है। इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो लेक्सिकल थीमेटिक है। अब लेक्सिकल थीमेटिक में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं डिक्शन है रिटोरिकल फिगर्स है एंड थीम्स। और जो अगर हम विजुअल इंटरवेंशन की बात करते हैं तो इसमें सेंटेंसेस हैं और कंक्रीट पोइट्री है। देन रिदमिक अकोस्टिक लेवल की बात करें तो उसमें राइम एंड मीटर जो है वो इंक्लूड होगा। सो दीज रिफ्लेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन पोइट्री। अब इनके थ्रू जो हम देखेंगे कि जो किस तरह से जो एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री है वो इसमें रिफ्लेक्ट होते हैं। थोड़ा सा आपको बता दूँ मैं कंक्रीट पोइट्री के बारे में आपने अभी वर्ड पढ़ा यहाँ पे कंक्रीट करेक्टर ऑफ पोइट्री। तो कंक्रीट पोइट्री बेसिकली जो है इसके लिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल जो नोट्स है वो आपके लिए मैंने रखा इसमें। कंक्रीट पोइट्री इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स इन विच द टिपोग्राफिकल इफेक्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन कन्वेइंग मीनिंग देन वर्बल। अब इसमें क्या था कि इसमें लिंग्विस्टिक अरेंजमेंट जो लाइक अगर आपको पोइट्री आप लिखते हो तो उसमें टिपोग्राफिकल जो इफेक्ट हैं वो जो थे वो उसमें ऐड किए गए जिससे कि क्या होता था जो कि आपके जो आप रिटन आपका जो टेक्स्ट था उसको एक्चुअली वो एलेबोरेट कर रहे होते थे थ्रू टिपोग्राफिकली। अब इसको टिपोग्राफी जो होती है बेसिकली ये आपके जो वर्ड्स का जो एक वो होता विजुअल आपका जो उसका वो कंपोनेंट है ये उसको बताता है। अब इसमें क्या था उसके थ्रू आपका जो मीनिंग है वो ज़्यादा जो है वो एक अंडरस्टैंडेबल हो जाता है एज कंपैरिजन टू वर्बल। सो दो द टर्म कंक्रीट पोइट्री इज़ मॉडर्न द आइडिया ऑफ यूजिंग लेटर अरेंजमेंट्स टू इन्हेंस द मीनिंग ऑफ अ पोइम इज़ ओल्ड। अब ये जो कंक्रीट पोइट्री का आइडिया है अगरचे ये जो है अभी मॉडर्न था बट इससे पहले जो इसका जो एक आप कह सकते हैं इसकी जो बेस थी वो बेसिकली वो प्रीवियसली हो चुकी हुई थी जिसमें कि लेटर की अरेंजमेंट इस तरह से की गई थी कि जिससे कि उसका जो पोइम का जो मीनिंग है वो उसको जो है वो इन्हेंस कर रहा था उसको प्रोमिनेंट कर रहा था। सच शेप्ड पोइट्री वॉज पॉपुलर इन ग्रीक अलेक्जेंड्रिया ड्यूरिंग द थर्ड एंड सेकेंड सेंचुरीज।
अब ये इस तरह की जो शेप वाली पोइट्री थी वो कब थी फेमस थी, ग्रीक अलेक्जेंड्रिया के जो टाइम पीरियड में, 3rd एंड 2nd सेंचुरी जो थी तब जो थी वो पॉपुलर थी। इसकी आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर, जॉर्ज हर्बर्ट्स ईस्टर विंग्स, 1633 में ये लिखी गई थी पोइट्री। अब जॉर्ज हर्बर्ट ने इसको लिखा था, अब इसमें क्या था कि ये दिस वॉज प्रिंटेड साइडवेज ऑन फेसिंग पेजिस सो दैट द लाइन्स वुड कॉल टू माइंड एंजल्स फ्लाइंग विद आउटस्ट्रेच्ड विंग्स। अब इसमें आप इसको शेप देखने के ऐसे लग रहा था कि जैसे कि इसके जो ये जो है कोई विंग्स हैं, आउटस्ट्रेच्ड विंग्स हैं यहाँ पर, जैसे कि वो इस तरह से उसको राइट डाउन किया गया था पोइट्री को। तो ये टिपोग्राफी होती है, टिपोग्राफिकली इसको आपके जो आपका रिटन टेक्स्ट है उसको इस तरह से जो है आपको उसको शो किया जाता है कि वो आपके जो आपका टॉपिक है, आपका जो पोइम का सब्जेक्ट है आपका, उसको भी वो जो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो उसकी ये पोइम थी और उसको उसने इस तरह से एक टिपोग्राफिकली इफेक्ट उसको देते हुए, आप जिसमें आप देख सकते हैं कि विजुअली भी जो है उसका जो आप उसका जो थीम था वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा था ईस्टर विंग्स को। तो इस तरह से ये जो है ये चीज़ें आपकी जो है कंक्रीट पोइट्री में, मैंने आपको बताया कि इस तरह से ये चीज़ों की जो अरेंजमेंट थी वो इस तरह से होती थी कि अब विजुअल के थ्रू जो है वो उसको उसके मीनिंग को ज़्यादा वो जो है उसको इन्हेंस किया जाता था एज़ कम्पेयर टू वर्बल। अब हमने देखा कि हम जो इसके जो एलिमेंट्स हैं पोइट्री में उसको हमने 3 लेवल्स पर हमने इसको कर सकते हैं एनालाइज, जिसमें कि लेक्सिकल थीमेटिक डायमेंशन जो फर्स्ट वन है। अब लेक्सिकल थीमेटिक डायमेंशन में हमारे पास डिक्शन है, इसमें हमारे पास थीम्स हैं, हमारे पास रिटोरिकल फिगर्स है। तो फर्स्टली वी विल सी व्हाट इज डिक्शन। सो डिक्शन इज़ द इश्यू ऑफ द नरेटर विच हैज़ बीन डेल्ट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू एंड करेक्टर्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ फिक्शन इज़ यूजली रेफर टू इन पोइट्री विद द टर्म्स वॉइस और स्पीकर। अब डिक्शन जो कि हमारे अगर फिक्शन में हम देखें तो उसमें पॉइंट ऑफ व्यू होता है या करेक्टर्स होते हैं आपके, कि वो किस तरह से कौन बता रहा है उसको, स्टोरी को कौन निरेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो पोइट्री में जब बात होती है नरेशन की, तो यहाँ पर जो डिक्शन है हमारे पास वॉइस और स्पीकर होता है। सो एज पोइट्री इज ऑफन रिगार्डेड एज अ मीडियम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सब्जेक्टिव पर्सनल इवेंट्स, द इश्यू ऑफ द स्पीकर इज सेंट्रल टू द एनालिसिस ऑफ पोइम्स। अब पोइट्री में क्योंकि आपने मोस्टली देखा होगा कि जो आपका जो एक्सप्रेशन होता है वो सब्जेक्टिव होता है, लाइक कोई भी जो पोइट लिखेगा पोइट्री तो वो कोई ना किसी एक सिंगल टॉपिक को लेकर वो उसको जो है एड्रेस करते हुए वो अपना जो उसकी जो फीलिंग्स हैं वो उसके बारे में वो एक्सप्रेस कर रहा होता है। तो अगर हम इसको सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन को देखते हैं तो इसके लिए ऑब्वियसली हमारा जो है इसका जो वॉइस और स्पीकर का जो है इशू वो इसमें सेंट्रल हो जाता है, क्योंकि उसमें बेस ही आपका एनालिसिस के लिए आपको उसके उस पर्सन के जिसने वो लिखा है उस पर्सनल इवेंट्स को लेकर जो है हम उसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली जो उसका जो स्पीकर है वो जो सेंटर उसका होगा उस एनालिसिस का। इन लॉन्गर पोइटिक फॉर्म द नैरेटिव सिचुएशन कैन बी एज कॉम्प्लेक्स एज दैट ऑफ द नॉवल और द शॉर्ट स्टोरी। अगर हम इसमें लॉन्गर पोइटिक फॉर्म्स देखें तो जो नैरेटिव सिचुएशन होती है वो भी इसी तरह से कॉम्प्लेक्स हो सकती है, जैसे कि किसी अगर नॉवल या किसी शॉर्ट स्टोरी में बहुत ज़्यादा जब करेक्टर्स हो जाते हैं तो उसमें ये मुश्किल हो जाता है कि जब वो नरेट हो रही होती है स्टोरी तो उसमें ये मुश्किल हो जाता है ये समझना कि उसमें वहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो इसी तरह से जब कोई स्टोरी जो है अगर लॉन्ग हो जाएगी, लाइक जैसे आपको मैंने बताया कि एपिक्स होती हैं जो कि नैरेटिव फॉर्म है पोइट्री की, तो इस तरह के जब बैलेड होते हैं तो उसमें भी जब एक लॉन्ग पोइट्री फॉर्म हो जाती है वो, तो उसमें भी इसका जो नैरेटिव सिचुएशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, कि उसमें भी करेक्टर्स जो होते हैं जो आपके गिवन उसमें जो उसमें नैरेटिव होता है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो भी उसमें कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसकी वॉइस और उसके स्पीकर के बारे में बताना। एग्जाम्पल इज सैमुअल टेलर कॉलरिज बैलेट। कॉलरिज प्रेजेंट द प्लॉट ऑफ द बैलेट ऑन 2 लेवल्स, फ्रेम नैरेटिव एंड एक्चुअल प्लॉट, एज वेल एज इन 2 नैरेटिव सिचुएशंस, फिगरल एंड फर्स्ट पर्सन नरेशन। अब ST कॉलरिज, आपने ये जैसे कि सैमुअल टेलर कॉलरिज आपको यहाँ पर लिखा गया, जो ST कॉलरिज थे उनकी जो एक फॉर्म थी बैलेट फॉर्म, अब उसमें उन्होंने जो है वो 2 लेवल जो रखे थे वहाँ पर नैरेटिव के, जिसमें कि फ्रेम नैरेटिव था एंड एक्चुअल प्लॉट था। वहाँ पर एक फ्रेम नैरेटिव था, लाइक जो उनकी एक उसकी एग्जाम्पल है यहाँ पर,
पोइट्री उनकी है एंशियंट राइम, उसमें उन्होंने जब उसको एक नरेट किया उस पोइम को, तो उस बैलेट में